हरियाणा के साबका मुख्यमंत्री सी भुपिंदर हुड्डा वह भी अज शहीद भगत सिंह उन्होंने श्रद्धांजलि देने दे खटकर कलां विखे पहुंचे ने। खास तौर पर हरियाणे तो आके उन्होंने शिरकत की है, फुलों के हार पा के उन्होंने शहीद भगत सिंह उन्होंने श्रद्धांजलि दी है। शहीदों नतमस्तक करने के लिए, शहीदों की शहादत को जो सजदा करने के लिए हरियाणा के साबका मुख्यमंत्री भुपिंदर सिंह हुड्डा भी नवांशहर के पिंड खटकर कलां की धरती पर पहुँच के उन्होंने शहीदों को प्रणाम किया है। सो देख सकते हो तस्वीरों के हरियाणा के साबका मुख्यमंत्री भुपिंदर हुड्डा शहीदों को सजदा करते नज़र आ रहे हैं। शहीद भगत सिंह, शहीद राजगुरु ते सुखदेव की शहादत को प्रणाम किया हरियाणा के साबका मुख्यमंत्री भुपिंदर सिंह हुड्डा ने। पहुंचे हैं इस भूमि को मेरा बार बार नमन करता हूं। उन्होंने शहीद भगत सिंह को पैदा किया, आज 75वां साल हमारी आज़ादी को, और आज़ादी भगत सिंह की कुर्बानी और जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं उसका नतीजा है कि आज हमारा देश आज़ाद है। और इस वास्ते जो शहीद होते हैं देश के, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और समाज को उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। जो समाज या देश अपने शहीदों की नहीं वो करता तो वो आगे प्रगति नहीं कर सकता। और इस परिवार से व्यक्तिगत मेरे परिवार का बहुत है, तीन परिवार जो है, शहीद भगत सिंह का परिवार और लाला लाजपत राय और हमारा परिवार, मेरे दादाजी का बहुत घनिष्ठ संबंध था। लाला लाजपत राय के पूजनीय पिताजी मुंशी राधा कृष्ण जी वहाँ टीचर थे, पर्शियन टीचर थे, और उनका बचपन वहीं रोहतक में गुजरा, और वो मेरे दादाजी के, बड़े दादाजी के टीचर भी थे। तो इस वास्ते परिवार के कितने संबंध थे। जब अंग्रेजों के खिलाफ बगावत हुई तो सरदार अजीत सिंह को और मेरे दादाजी को इकट्ठा काला पानी करने की अंग्रेज़ों ने वो किया, इम्प्लीमेंट नहीं कर सके उसमें, तो एकदम बहुत बगावत होगी। उसके बाद सरदार अजीत सिंह जो जब देश है उन्होंने कहा तो उस देश निकालने की बात हुई, तो 1.5 महीना आके मेरे दादाजी के पास रुके सरदार अजीत सिंह, और इतना घनिष्ठ परिवार संबंध रहा हमारा। मेरे पिताजी जीवित रहे, अब भी हमारा संपर्क है। शहीद भगत सिंह के पांच भाई थे, सरदार कुलबीर सिंह, सरदार कुलतार सिंह, सरदार राजेंद्र सिंह और सरदार रणवीर सिंह। वो हमारे वहाँ पड़ोसी भी रहे भाजपुर में, कुलतार सिंह जी और रणवीर सिंह और राजेंद्र जी। कुलतार सिंह जी सहारनपुर रहते थे, कुलबीर सिंह का परिवार, सरदार कुलबीर सिंह का परिवार फरीदाबाद में हो गया, लेकिन हमारा परिवार संबंध रहा। तो ऐसा महान परिवार और ऐसे महान व्यक्ति की जन्मभूमि पर आकर मैं श्रद्धांजलि देता हूँ, और यही प्रेरणा, यही प्रार्थना करता हूँ कि उनसे हम प्रेरणा लेते रहें और जहाँ देश की जरूरत हो कुर्बानी के लिए हम तैयार रहें। आज समय है फिर से सबको एक होके अपनी आज़ादी कायम करने के लिए, उसके लिए एक होना। तो हरियाणा के साबका मुख्यमंत्री भुपिंदर हुड्डा के बयान भी तुसी सुने ने। उन्होंने साबका स्पीकर कुलदीप शर्मा भी नाल मौजूद सी। तुहानू दस दिए शहीद भगत सिंह दे जद्दी पिंड खटकर कलां विखे पहुँच के उन्होंने श्रद्धांजलि दी है। सो देख सकते हो उन्होंने संबोधन भी किया तमाम जनता नूं, तां नाल लगदी उन्होंने बयान भी दिते ने, मीडिया दे नाल खास गलबात की है। वो कहिंदे ने कि जेकर अपने आप नूं आजाद रखना है, अपनी आज़ादी नूं कायम रखना है, तो सारिआं नूं एकजुट हो के चलण की जरूरत है। सो हरियाणा के साबका मुख्यमंत्री भुपिंदर हुड्डा खटकर कलां विखे पहुँचे ने श्रद्धांजलि देने के लिए। सो इस धरती से हुण भगवंत मान के वलों भी पहुँच के श्रद्धांजलि दी जाएगी। अज का यह दिन है, शहीद भगत सिंह उन्हां दी जो कुर्बानी है उसनों याद किया जा रहा। तमाम सियासी आगूआं दे वलों भी श्रद्धांजलि दी जा रही ने, वड्डियां शख्सियतां भी श्रद्धांजलि देते नज़र आउंदियां ने। सो शहीद भगत सिंह उन्होंने अहम भूमिका निभाई है, देश की जो लड़ाई सी, संघर्ष जी कह सकते हैं, देश का सी आज़ादी का संघर्ष सी, उस दे विच शहीद भगत सिंह, राजगुरु ते सुखदेव जी उन्होंने अहम भूमिका निभाई है। फांसी का जो रस्सा सी उसनू हस के चुमदे हुए गल नाल लाया, अपनी कुर्बानियां दित्तियां ने,
मर मिटे ने इस देश के लिए इस वतन के लिए। सो उन्हां दे सुपनियां दा जो पंजाब सी उस पंजाब नूं सिरजण दे लई हुण आम आदमी पार्टी कहिंदी है कि असीं भगत सिंह उन्हां दा सुपना पूरा करांगे। हालांकि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस धरती ते सौं भी चुकी सी मुख्यमंत्री दे वजों। तो फिलहाल इस बुलेटिन विच इन्नी, इस तरह हाजिर होवांगे और खबरों के नाल। तुसीं बने रहो इंडिया न्यूज़ पंजाब ते, जारी रहेगा खबरों सिलसिला। तो मैनूं मनप्रीत गिल नूं दिओ इजाजत। धन्यवाद, सत श्री अकाल।